हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे किचन ऑफ लिबर्टी में। आज हम बनाने वाले हैं मीट कट्टा मसाला, जो हमारी दादी माँ बनाया करती थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम कुकर को ऐड करते हैं। हम ऐड करेंगे घी। ये घी होममेड है, तो हमने घी ऐड किया है 200 ग्राम। इसमें हम ऐड करते हैं तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, स्टार एनिस और एक जावित्री का फूल। अब इसमें ऐड करते हैं हम प्याज को। ये हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। ये हाफ के जी है, हम इसे सॉफ्ट होने देंगे। ये देखिए, ये सॉफ्ट हो गया, ये ब्राउन नहीं करना है हमें। और ये जिंजर गार्लिक को हमने क्रश किया है एमएम जस्ता में, हमने इसे टेस्ट नहीं किया है। तो ये कटा मसाला इसलिए है कि ये सारे मसाले कटे होंगे। तो इस तरह से हम मीडियम आंच में सब धीमे धीमे फ्राई करेंगे। अब हम ऐड करते हैं ब्लैक पेपर, जिसे हमने थोड़ा सा बस कूट लिया है, और ये हरी मिर्ची और टमाटर, ये धनिया पत्ता। बस हम इन सबको सॉफ्ट करेंगे इस तरह से, ढक देते। ये देखिए, अभी हम डालते हैं मटर। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मटन हम घी में ही बनाया करते हैं। सर्दियों के मौसम में अक्सर हमारी दादी माँ इस स्टाइल में बनाया करती थी, तो हमने भी आपसे शेयर किया। हम हल्दी ऐड करेंगे। हम इसे 2 मिनट तक बस मीट के साथ भून लेंगे। और आपको ये याद रखना है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डालना है, वो कटा होना चाहिए, या फिर हम जिस समय उसे कूट लें। अब हम लाल मिर्ची को ऐड करेंगे। अगर आप तीखे के शौकीन हैं तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तो हमने थोड़ा सा दिया है। अब इसे हम सीटी लगा लेंगे 2 से 3। हमने पानी ऐड नहीं किया, टमाटर, अनियन, जो प्याज वो पानी रिलीज करे वो डाल दें। देखिए अभी भी पानी है, तो हम इसे और भी भुनेंगे जब तक कि ये पूरे पानी सूख ना जाए। हमें इसे अच्छे से भूनना है, हमें हाई फ्लेम पर नहीं, मीडियम में भूनते रहना है। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, बस इतना कि मीट और मसाला जो है पानी में अंदर चला जाए। हम सॉल्ट को ऐड करते हैं। अब उबाल आने के बाद हम इसे सीटी लगा लेंगे 8 से 10। तो ये देखिए, अभी भी थोड़ा पानी है, हम इसे और सुखाएंगे। हम इसे जितना भुनेंगे ना उतनी अच्छे से टेस्ट आएगा, क्योंकि ये हम घी में बनाते हैं। ये सर्दियों में काफ़ी मज़े आते हैं, रोटी, चावल, नान के साथ आप खा सकते हो। तो हमारी दादी माँ अक्सर इसी तरह से बनाया करती थी, तो ये रेसिपी हमने आपसे शेयर किया। ये देखिए हमारा मटर तैयार है, अभी भी पानी है, तो थोड़ा सा और सूखने देते हैं इसे। अब देखिए तेल ऊपर आ गया, अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लगती है, मेरी दादी माँ अक्सर ऐसे ही बनाया करती थी, तो हम सभी को काफ़ी पसंद है। आप भी बनाएं, खाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। तो ये हम सर्व करते हैं, और ये हमारे डॉल के लिए फर्स्ट बाइट हम रेडी करते हैं।
क्योंकि बनती है ना, सबसे पहले उसे ही भूख लगती है, वो मतलब हर वक्त खड़ी रहती है, क्यों उसे ही पहले दे दो। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ। और इसे प्लीज़ आप घी में ही बनाए, तब आपको समझ में आएगी कि ये रेसिपी कैसी लगती है, क्योंकि ऑयल में तो अक्सर बना लेते हैं, लेकिन हमारी दादी माँ अक्सर घी में ही इस्तेमाल किया करती थी। सर्दियों के मौसम में हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।